दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये लौहे कुरानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल नक्श हैं। इस नक्श को जो भी शख्स घर और दुकान में रखेगा, उसके घर में इंशाल्लाह ताला बरकत ही बरकत होगी और घर और दुकान बुरी नजर वालों से बचे रहेंगे। इसीलिए जो भी हमारे भाई बहन इस नक्श को मंगाना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके घर ये पहुँचा दिया जाएगा। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था, और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं, ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा।
लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुँच गयी कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बददुआ नहीं करते ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुँच गई, कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी के नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह ने वो मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकीजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया, सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अनासागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए, आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। यह काम ज्यादा आसान था, लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा
वापस तालाब में डाल दो। जो ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अनासागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही आले से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही आले के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही आले चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही आले ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।